नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री अपने मंत्री पद की शपथ के बाद पहली बार चिराग पासवान अपने पांचों सांसदों और अपनी मां के साथ पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि नीट का मामला बहुत गंभीर मामला है, इसमें सरकार सभी के हितों पर ध्यान रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को घेरना दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी के हितों पर ध्यान रख रही है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो री एग्जाम के लिए कह रहे हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो री एग्जाम नहीं चाहते हैं, तो सरकार इन सब पहलुओं को देख रही है। अब नीट पेपर लीक का मामला आया है जिसकी जांच चल रही है। कई लोग इसको लेकर न्यायालय भी गए हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार सही समय पर सही फैसला लेगी, लेकिन जो भी फैसला होगा वह छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव द्वारा घेरने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इन सब पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी दोषी हो, जिसने भी यह बड़ी लापरवाही की है, जिसने भी गुणवत्ता के साथ भ्रष्टाचार किया है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने भी नवनिर्माण होंगे, हम लोग के डबल इंजन की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ ना हो। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान आज पहली बार पटना पहुंचे हैं। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे और अपने नेता को अभिवादन करने में जुटे रहे। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हम सब पर भरोसा करके हमें खाद्य उपभोक्ता मंत्री बनाया है। मैं उनके साथ और विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा और हमारे मंत्रालय के तहत जो भी योजना आएगी वह जनता तक सही रूप से पहुंचे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो उत्पादन होते हैं, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की लीची, मखाना, आम, इन सभी प्रोडक्ट को हम चाहेंगे कि बिहार में ही पैकेजिंग हो और इसके किसानों को लाभ मिले। हमारा मंत्रालय किसानों के हित में है और मेरी यही प्राथमिकता होगी कि हमारे काम से किसानों को बेहतर लाभ मिले। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।